हम सभी को जंगली जानवरों और जंगल के बारे में सुनकर डर जरूर लगता है, लेकिन ये भी सच है कि इन सबसे जुड़ी हर जानकारी लेने को हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो चलिए आज हम ऐसे ही एक अनूठे स्थान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बेहद रोमांच से भरा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेजन के जंगल की। अमेजन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया को 20% ऑक्सीजन यहीं से मिलती है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। अमेजन वर्षा वन में घने पेड़ों के होने की वजह से इसकी सतह पर हमेशा अंधेरा रहता है और बारिश होने पर पानी को नीचे पहुंचने में लगभग 10 मिनट का वक्त लग जाता है। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेजन के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इन जंगलों का करीब 60% हिस्सा ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुआना, वेनेजुएला, बोलीविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुआन से होकर गुजरता है। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदम जनजाति भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक कबीलों के आदिवासी इसी जंगल में रहते हैं। कई खोजकर्ता इस जंगल में जाकर अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेजन जंगल में 3,000 फूलों की प्रजातियां खाने के रूप में प्रयोग की जाती हैं। यहां लगभग 70% औषधीय पौधे मौजूद हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट में स्थित विशाल नदी, जिसे विश्व में अमेजन नदी के नाम से जाना जाता है, यह नदी अमेजन वर्षा वन के बीच से होकर गुजरती है। हम आपको बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं, उसके एक तिहाई को एक साथ आप अमेजन के जंगलों में ही देख सकते हैं। अमेजन के जंगलों में कीड़े मकौड़ों की 25 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें विश्व के सबसे जहरीले कीड़े भी शामिल हैं। उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। वर्षा वन में दुनिया के सबसे दिलचस्प और खतरनाक जीव रहते हैं। इसमें नदी में मिलने वाली इलेक्ट्रिक ईल, मांस खाने वाली पिराना मछली, जहरीले मेंढक, जैगुआर और कुछ सबसे जहरीले सांप शामिल हैं। अमेजन वर्षा वन में एक बेहद ही दिलचस्प मछली पाई जाती है, जिसे पिरारुक कहते हैं। ये मछली अन्य मछलियों को पालने के बहाने खाती है और करीब 3 मीटर तक लंबी हो जाती है। इसके मुंह और इसकी जीभ दोनों जगह दांत होते हैं। इस जंगल में पाए जाने वाले मच्छर और कीड़े भी बहुत घातक होते हैं। अगर ये मच्छर और कीड़े किसी इंसान को काट लें तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आप लोगों ने बहुत सारी चींटियों को देखा होगा, लेकिन इस जंगल में एक बुलेट नाम की चींटी है, जो देखने में तो छोटी है मगर इसका डंक जहर से कम नहीं होता। कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। इस जंगल में मकड़ियों की 3,000 से ज्यादा प्रजातियां मिलती हैं। इनमें से ज्यादातर मकड़ियां जहरीली होती हैं, जिनमें से टेरेंटुला मकड़ी सबसे खतरनाक मानी जाती है। इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी आंखों में पड़ गए तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। कुछ लोगों का तो कहना है कि इस मकड़ी के काटने से किसी इंसान की मौत भी हो सकती है। अमेजन के जंगल में 100 प्रकार के मेंढक भी पाए जाते हैं। इस जंगल के चटक रंग के खाल वाले मेंढक बहुत खतरनाक होते हैं। इस मेंढक के शरीर में 10 लोगों को मारने का जहर होता है। अमेजन के जंगल में 30 फीट तक के सांप आप आम तौर पर देख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा भी इसी जंगल में पाया जाता है। जंगल में 1500 पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं और यह जंगल पूरी दुनिया के एक तिहाई के आसपास पक्षियों का घर है। इस जंगल के पक्षियों में हार्पी ईगल नामक पक्षी सबसे खतरनाक है। हार्पी ईगल के पंखों की लंबाई 7.5 फीट है। यह पक्षी आसानी से बंदर जैसे जानवर को उठाकर उड़ सकती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।